अभिषेक में बहुत ही सारी नॉमिनेशन को लेके बातें चल रही हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एकदम राइट है। जहां पर जिया ने बोला कि भाई अविनाश जो है तेरा, अविनाश का तो ज्यादा बनता भी नहीं है, उसको ऑलरेडी 2 वोट आ चुकी थी, अगर तू भी 1 वोट कर देता वो नॉमिनेट हो जाता। क्योंकि जिया ना थोड़ी घबराई हुई है कि भाई मैं हूं और सिर्फ 2 लोग नॉमिनेट है, पता नहीं कौन जाएगा, इस तरीके से घबराई है। जहां पर अभिषेक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रही है कि भाई देख मेरे पास उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर है, नेगेटिव थोड़ा कम है, पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा है, तो इस तरीके से उसके भी माइंड में ये सब चीजें होगा, तो हम दोनों का आपस में इस तरीके से नहीं है, वहां पर सोच समझ के रीजन देके जो है नॉमिनेट करना पड़ता है, ऐसे ही मैं नहीं कर सकता हूं। तो जहां पर जो है ये बात भी बोलता है अभिषेक कि भाई आलिया ने जो है अपने लिए गड्ढा खोद लिया है और वो दिखी नहीं है और ज्यादा उसका हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली जो है वो ही जाने वाली है। और सच में भाई ये प्रेडिक्ट भी है, बच्चा बता देगा कि हाँ भाई आलिया जो है इस बार जाने वाली है, जिया डेफिनेटली नहीं जाने वाली है। कुछ कुछ ऐसे नॉमिनेशन होते हैं, मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। क्योंकि पर वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर अभिषेक ऐसा कर देते तो वो भी बहुत ही बड़ी एक माइंड गेम होती और बहुत ही ऐसा लगता कि यार जिया का साथ दे दिया और वो वहां पर कैलकुलेट करके जो है इस बंदे को और एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया कि भाई इसका भी चांस लेंगे, क्या मालूम ये भी बंदा चला जाए। पर अभिषेक ने वहां पर ये बात जो सोची भी कि भाई वहां पे रीजन देना पड़ता है, तो कौन सा रीजन देता आखिरकार, ऐसा करता तो भी नॉट बजर बजाता तो कौन सा रीजन देता। आपको क्या लगता है, जी अपनी जगह पर सही है या अभिषेक अपनी जगह पर सही है, या मेरी तरह आपको लगता है कि भाई दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।